इसमें शाख ही नहीं है, ये एक डंडा जैसा है बस, कोई शाख नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। सबसे पुराना जो आदम ईव की स्टोरी है उसमें ये माना जाए, इसका नाम भी उन्होंने दिया कि एडम्स फ्लैनल है, फलालीन है, उसका एक कपड़ा है क्योंकि ये कपड़े जैसा बड़ा नरम नरम पत्ता है इसका, तो उसने शायद पहना होगा, पहना कि नहीं पहना, लेकिन एक धारणा जो बन गई एडम्स फ्लैनल, फ्लैनल मतलब फलालीन। तो उसका दूसरा नाम वेलवेट लीफ भी है, तो वेलवेट कलर होने से, और एडम्स स्टाफ भी है, स्टाफ डंडे को कहते हैं कि शायद आदम जो है हमारा पुरखा जो है उसने इसको डंडे के तौर पे इस्तेमाल किया होगा। गांव में इसकी मशाल बनाते हैं और जब ये सूख जाता है तो 5-6 इकट्ठी करके उसको जला लेते हैं। तो पुराने टाइम में गांव में लोग ऐसे, जब बिजलियां नहीं होती थी तो इसको मशाल के तौर पे भी इस्तेमाल किया, और गांव में डोगरा जुबान में अगर लोगों को पूछते हैं इसका नाम क्या है तो बोलते गिदड़ तम्बाकू। तो ये पत्ता जो है थोड़ा बहुत तम्बाकू से भी मिलता जुलता है, हालांकि तम्बाकू के पत्ते को एक डंडी होगी, इसकी डंडी नहीं है ये, उल्टा एक पत्ता जो है बिल्कुल ही बना मिला हुआ है इस स्टेम से, और स्टेमों में भी झालर जैसी बनी हुई है, जो पत्ते हैं पत्ते एक पत्ते की दो दो झालरें नीचे जा रही हैं स्टेम पे, तो दूसरा पत्ते की झालर, इस पत्ते की झालर, तो आप देखिए ये इसकी खास बात है, और डंडा होना और कोई इसकी शाख नहीं होना ये इसकी खास बात है। और ऊपर से जो पीले फूल आप देख रहे हैं ये जो है फ्लावर्स की टी भी होती है, तो हर्बल टी भी हम इसकी बनाते हैं, कुछ लोग तो इवन पत्ते भी कोम्पलें भी डाल देते हैं, इसको बॉयल करके एक बहुत अच्छी डिकॉक्शन बनती है जिसको निमोनिया के लिए इस्तेमाल किया गया है पुराने टाइम में, इवन टीबी तपेदिक के लिए भी, और इसका जो जूस है पत्तों का उसको कान की दर्द में भी दिया गया, तो इसको मुलीन भी कहते हैं, काउज लंग वर्ट भी एक नाम है गाय का, लंग वर्ट उसका गाय का भी जो फेफड़े हैं उसमें कई बीमारियों को ये ठीक करता है। और ये प्लांट आप हैरान होंगे इसको इतने नाम ही नहीं, ये प्लांट जो है आपको दिल्ली में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, जम्मू में मिलेगा, ये प्लांट आपको कश्मीर में भी मिलेगा, और आप हैरान होंगे ये प्लांट आपको लद्दाख में भी मिलेगा। तो इसको देखिए आपके क्या अल्टीट्यूडनल अडेप्टेबिलिटी है इसकी, ये लोअर प्लेन्स में है 300 फुट के उसमें मिल जाता है, और ये फिर 3000 मीटर पे भी आपको लद्दाख में मिल रहा है। और ये प्लांट जो है हमारा एक एडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मेडिसिनल तो है ही बट थोड़ा वो ये डेकोरेटिव भी प्लांट है, और इसकी खास जो हमारा इस वक्त साल का जो थीम है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे थीम, वो यही है अवर बायोडाइवर्सिटी अवर फूड्स अवर हेल्थ। तो उसके हवाले से इसका जो अडेप्टेबिलिटी मैं देख रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज होने से इसको शायद फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों ये प्लांट आज भी जम्मू की क्लाइमेट में फिट है, कश्मीर की क्लाइमेट में फिट है, लद्दाख की क्लाइमेट में फिट है, इतना है कि इसमें गर्मी ऊपर नीचे होगी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हर किस्म के हैबिटेट में ग्रो करता है। मोस्टली ये जब हम सड़कें बनाते हैं सड़कों के किनारे जो डिस्टर्ब सॉयल होता है उसमें सबसे पहले कॉलोनाइज यही करता है, उसमें ये हिम्मत दिखा करके जहाँ साल 6 महीने पहले की सड़क बनी हुई खोदी हुई जमीन उसमें सबसे पहले यही प्लांट आता है। तो ये प्लांट जो है साइंस की भाषा में विज्ञान में इसको ब्रबैस्कम थैप्सस कहते हैं, और जो अलग अलग नाम हैं उसके हवाले से ये गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा एक परिचित पौधा है, और वो जानते हैं कि इसके किस तरह से ट्रेडिशनल फोक यूजेज हैं, और आयुर्वेदा में भी इसका जो है वर्णन मिलता है, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं।